बच्चों, कैसे हो आप सभी? आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम एक कहानी पढ़ेंगे। किसकी कहानी? शादी की। आज की कक्षा में हम शादी से संबंधित कहानी पढ़ेंगे, गुड्डे गुड़िया की शादी से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय दो, गुड़िया की शादी। कहानी, अध्ययन से पूर्व, मतलब पाठ पढ़ने से पहले। तो बच्चों, इस चित्र में यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, जिसमें से कुछ बच्चे तो गुड्डे गुड़िया से खेल रहे हैं और एक लड़का अपनी बहन से कुछ सवाल पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये बच्चा अपनी बड़ी बहन से क्या सवाल पूछ रहा है। दीदी, ये लोग कौन सा खेल खेल रहे हैं? तो दीदी जवाब देती है, बड़ी बहन बताती है कि अरे, क्या तुम्हें यह भी नहीं पता, ये लोग गुड्डे गुड़िया का खेल खेल रहे हैं। मतलब ये लोग गुड्डे गुड़िया से खेल रहे हैं, जो कि एक शादी का खेल है। ये दोनों अपने गुड्डे और गुड़िया की शादी करा रहे हैं। तो चलिए अब आगे पाठ की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब पाठ पढ़ते हैं। मेरे साथ आपको ये पाठ दोहराना है। रीता के पास एक गुड़िया है। तो गुड़िया किसके पास है? रीता के पास। उसका नाम है मुन्नी। हर्ष का एक गुड्डा है, उसका नाम है राजा। आज हर्ष और रीता के गुड्डे गुड़िया की शादी है। रीता के घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं। गुड़िया को लाल लहंगा पहनाया जा रहा है, उसके सर पे गोटे वाला लाल दुपट्टा है। रीता की सहेली रीतु गुड़िया के गले में मोतियां की माला पहना रही है। शादी में शामिल होने के लिए रीता की अन्य सहेलियां जैसे कि राधा, गौरी, लता और कविता भी आई हैं। हर्ष का गुड्डा भी नए नए कपड़ों में सज रहा है। उसने सुनहरी अचकन पहनी है, उसके सिर पर जयपुरी साफा पहनाया जा रहा है। साफे पर सफेद बालों वाली कलगी लगी है। तो बच्चों, इस कहानी में ये बताया गया है कि दो बच्चे हैं, हर्ष और रीता। रीता के पास गुड़िया है जिसका नाम है मुन्नी, और हर्ष के पास एक गुड्डा है जिसका नाम है राजा। राजा और मुन्नी की शादी कराई जा रही है इस खेल में। तो शादी की तैयारियां रीता के घर में चल रही थी। शादी रीता के घर में थी। वहां पर गुड़िया को अच्छे से तैयार किया जा रहा था, उसको लाल लहंगा पहनाया जा रहा था, उसके सर पर गोटे वाला लाल दुपट्टा पहनाया गया और गुड़िया के गले में मोतियों की माला पहनाई जा रही थी। शादी में शामिल होने के लिए शादी में मेहमान बनकर रीता की कुछ अन्य सहेलियां, कुछ दोस्त भी आई थी, जैसे कि राधा, गौरी, लता और कविता। हर्ष का गुड्डा भी कुछ कम नहीं था, उसे भी नए नए कपड़ों में सजाया जा रहा था। उसको सुनहरी अचकन पहनाई गई, उसके सर पे साफा बांधा गया, वो भी जयपुरी साफा। साफे पर सफेद बालों की कलगी बांधी गई। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। गुड्डे की बारात में शामिल होने के लिए हर्ष के अन्य मित्र आए थे, जैसे कि गौरव, रोहित, मोनू और पवन। ये हर्ष के कुछ मित्र हर्ष की शादी में शामिल होने आए थे। अब बैंड बजने लगा, यानी कि बैंड बाजा बजने लगा। लो, अब तो बारात गुड़िया यानी दुल्हन के घर जा पहुंची है। देखो, दुल्हन अपने दूल्हे के गले में फूलों का हार पहना रही है। दूल्हे ने भी दुल्हन को हार पहना दिया। जयमाला की रस्म पूरी हुई। सभी ने फूल बरसाकर अपनी शुभकामनाएं दी। अब विवाह में हवन और फेरे लेने की बारी आई। राम उपंडित मंत्र पढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में विवाह और की रस्में पूरी हो गई। अब दावत का समय हो रहा है। तो बच्चों, जैसे ही बारात दुल्हन के घर पहुंची, वैसे ही वरमाला यानी जयमाला का समय हो गया।
तो दुल्हा और दुल्हन एक दूसरे के गले में फूलों का हार पहना रहे हैं, जिसे हम जयमाला की रस्म कहते हैं। तो क्या फूलों की माला पहनाते ही जयमाला की रस्म पूरी हुई? जयमाला की रस्म पूरी होते ही सभी ने उनके ऊपर फूल बरसाकर उनको शुभकामनाएं दी, उनको ढेर सारी बधाइयां दी। तो जैसे ही जयमाला की रस्म पूरी हुई, दुल्हा और दुल्हन विवाह के लिए हवन में जा बैठे। तो हवन होते ही वो फेरे लेने की बारी आई। उन्होंने फेरे लिए। रामू जो पंडित बना था, उन्होंने मंत्र पढ़ने शुरू किए। मंत्र पढ़ते ही, फेरे होते ही थोड़े ही देर में विवाह की रस्म भी पूरी हो गई। अब विवाह के बाद क्या होता है? वेरी गुड, दावत का समय यानी खाना खाने का समय। जैसे ही विवाह की रस्म पूरी हुई, वैसे ही दावत का समय हो गया। चलो देखें खाने में क्या क्या चीजें बनी हैं। तो सारे मेहमान बोलते हैं कि देखते हैं दावत में क्या क्या चीजें रखी गई हैं। तो दावत में तरह तरह की मिठाइयां सजी हैं, जैसे कि गुलाब जामुन, रसमलाई, जलेबी और गाजर का हलवा। आपको पता है शादी में मिठाइयों के साथ साथ आइसक्रीम भी थी। काजू किशमिश पिस्ते वाली आइसक्रीम भी है। कुल्फी भी खाने को मिलेगी और खाने में मटर पनीर व कोफ्ते की सब्जी बनी है। थोड़ी ही दूर गोलगप्पे और चाट पकौड़ी भी खाने को मिलेगी। लो सभी मेहमान खाना खाने लगे हैं। अब दावत खत्म हुई, विदाई का समय आ गया। गुड्डे गुड़िया की विदाई हो रही है। सभी को इस शादी में खूब आनंद आया। तो बच्चों, हर्ष की सहेली, हर्ष के दोस्त और रीता की सहेलियां, दोनों ही मेहमानों को बड़े ही मजे आए इस शादी में। क्यों? क्योंकि खाने को ढेर सारी चीजें, शादी की रस्में अच्छी अच्छी, और शादी बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हुई, बहुत ही अच्छे ढंग से हुई और विदाई भी बहुत अच्छे ढंग से हो गई। तो सभी को इस शादी में बड़ा ही आनंद आया, मतलब बड़ा ही मजा आया। तो बच्चों चलो अब कुछ शब्दों के हम अर्थ देखते हैं, यानी कि हम अब शब्दार्थ पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शादी मतलब विवाह, बैंड मतलब बाजा, रस्म मतलब रीति रिवाज या फिर प्रथा, आनंद मतलब ढेर सारा मजा। उच्चारण करें। तो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको उच्चारण कर देखना है कि क्या आप यह शब्द सही पढ़ पाते हैं या नहीं। तो चलो बच्चों मेरे साथ इन शब्दों को दोहराओ। गुड़िया, शादी, तैयारियां, कपड़ों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्रुत लेख मतलब सिर्फ लिखने के लिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको अपनी अपनी किताबों में लिख के थोड़ा सा अभ्यास करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, मेरे साथ इन शब्दों को लिखना शुरू करो। तो बच्चों पहला शब्द है हलवा। हा ला वा आ, हलवा। अगला शब्द है बारात। बा आ रा आ ता, बारात। अगला शब्द क्या है बच्चों? पकौड़ी। पा का ओ रा ई, पकौड़ी। अगला शब्द है बच्चों गुड डे। गा ऊ डा डा ए, गुड डे। अगला शब्द है, आखिरी शब्द है कुल्फी। का ऊ
ल-फ-ई, कुल्फी। तो बच्चों, जैसा कि हमने गुड़िया की शादी का पाठ पढ़ा, तो अब हम इसका थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस अभ्यास को शुरू कीजिए। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए, स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न एक, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों के सही सही उत्तर बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क, पाठ में गुड़िया किसके पास थी? वेरी गुड, पाठ में गुड़िया रीता के पास थी। ख, शादी की तैयारियां किसके घर में चल रही थी? शादी की तैयारियां जिसके पास गुड़िया थी, यानी कि रीता के पास चल रही थी। रीता के घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, ग, रितु किसके गले में मोतियों की माला पहना रही थी? रितु गुड़िया, यानी कि दुल्हन के गले में मोतियों की माला डाल रही थी। अगला प्रश्न है, सुनहरी अचकन किसने पहनी है? सुनहरी अचकन किसको पहनाई गई थी? दूल्हे को, सुनहरी अचकन दूल्हे को, यानी कि गुड्डे को पहनाई गई थी। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जरा लिखिए, स्पीक राइटिंग स्किल्स। प्रश्न दो, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको दिए गए जगह पर लिखने हैं अपनी अपनी किताबों में। तो चलिए बच्चों, बताइए रीता की सहेलियों के नाम लिखिए। रीता की सहेलियों के क्या क्या नाम थे? राधा, गौरी, लता और कविता। रीता की सहेलियों के नाम राधा, गौरी, लता और कविता थे। ख, गुड़िया को क्या क्या पहनाया गया? जब गुड़िया की शादी कराई जा रही थी, तो गुड़िया को क्या क्या पहनाया गया था? वेरी गुड, गुड़िया को लाल लहंगा, गोटे वाली चुनरी और मोतियों की माला। तो बताओ बच्चों, गुड्डे की बारात में शामिल होने के लिए कौन कौन आया था, मतलब हर्ष के कौन कौन से दोस्त गुड्डे की बारात में शामिल हुए थे? वेरी गुड, मोनू, पवन, रोहित और गौरव। अगला प्रश्न है, शादी में कौन कौन सी मिठाइयां उपलब्ध थी? वेरी गुड, गुलाब जामुन, रसमलाई, जलेबी और क्या था? गाजर का हलवा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न तीन, दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही और गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है और सही वाक्यों के आगे सही का चिन्ह और गलत वाक्यों के आगे गलत का चिन्ह लगाना है। तो चलिए इन वाक्यों को पढ़ते हैं। क, हर्ष का गुड्डे का नाम राजा है। क्या हर्ष के गुड्डे का नाम राजा था? सही जवाब, यह वाक्य सही है, तो इसके आगे हम सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला वाक्य है,
साफे पर सुनहरे बालों वाली कलगी लगी है, तो क्या जो गुड्डे को हमने साफा पहनाया था उस सब साफे पर क्या सुनहरे बालों वाली कलगी थी? नहीं, ये वाक्य गलत है, तो इसके आगे हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। का रीता की सहेली कविता ने गुड्डे को साफा पहनाया? क्या रीता की सहेली कविता ने गुड्डे को साफा पहनाया था? नहीं, यह वाक्य भी गलत है, तो इस वाक्य के आगे गलत का चिन्ह लगाएंगे। खाने में आइसक्रीम का प्रबंध नहीं था, क्या जो शादी के बाद विदाई के बाद दावत की गई थी, क्या उस दावत में आइसक्रीम का प्रबंध नहीं किया गया था? तो यह वाक्य गलत है, इसलिए हम यहाँ पे गलत का चिन्ह लगाएंगे। चलिए अब अभ्यास में आगे बढ़ते हैं। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 4, आप किसी शादी में जाते हैं तो वहां पर आप क्या क्या देखते हैं सोचकर बताइए। तो बच्चों बताओ, जब आप शादी में जाते हैं तो शादी में आप क्या क्या चीजें देखते हैं? देखो बच्चों, तो जब हम शादी में जाते हैं तो हम ढेर सारी चीजें देखते हैं, जैसे कि अलग अलग तरह की डेकोरेशन, अलग अलग तरह की कॉस्ट्यूम्स, अलग अलग तरह की सजावटें, कपड़ों का पहनना, तैयारियां और स्टेज, वहां पे खाने में अलग अलग तरीके का खाना, इत्यादि चीजें हम शादी में देखते हैं। किसी किसी शादी में तो खेल कूद की चीजें भी होती हैं। शादियों में डीजे लगा होता है जिसपे लोग डांस करते हैं, यानी कि नाचते हैं। अब आपको बताना है कि जब आप शादी में जाते हैं तो आप क्या क्या चीजें देखते हैं, अपनी अपनी नोटबुक्स में लिख कर बताएं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जरा भाषा पर गौर कीजिए, लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 5, चार वर्णों के मेल से बनने वाले चार अमात्रिक शब्दों को लिखिए। तो बच्चों, जैसा कि हमने कक्षा 1 पार्ट 1 में हमने बिना मात्रा वाले शब्द पढ़े थे, 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द और 4 अक्षर वाले शब्द बिना मात्रा वाले, बस वही 4 अक्षर वाले शब्द अमात्रिक, मतलब कि बिना मात्रा वाले शब्दों को आपको यहाँ लिखना है, जैसे कि कसरत, इसमें किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया। तो हम अगला शब्द क्या लिखेंगे, अचकन, इसमें भी किसी मात्रा का प्रयोग नहीं है। अगला शब्द है बच्चों, पनघट। अगला शब्द है बच्चों, अजगर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 6, दिए गए वर्ण समूहों में से स्वर और व्यंजन को अलग अलग छांट कर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ इस पेड़ में, इस वृक्ष पे कुछ वर्ण समूह दे रखे हैं, जिसमें से कुछ स्वर हैं और कुछ व्यंजन हैं। उन स्वर और व्यंजन को आपको अलग अलग छांट कर स्वर की जगह पर स्वर और व्यंजन की जगह पर व्यंजन लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। घ, घ क्या है बच्चों, व्यंजन, वेरी गुड। अ एक स्वर है, तो हम इसको स्वर वाली जगह पर लिखेंगे। श, श क्या है, स्वर नहीं, श एक व्यंजन है। री, री एक स्वर है। न, न एक व्यंजन है। ए, ऐसे ऐनक, ऐनक क्या है, स्वर, वेरी गुड बच्चों। च, च एक व्यंजन है। प, प भी एक व्यंजन है। क, क भी एक व्यंजन है। व्यंजन का पहला वर्ण क ही है। आ, आ, आ तो स्वर है। ऊ, ऊ भी स्वर है।
मा, मा व्यंजन है। ई, ई तो स्वर है। श, श से षटकोण, ये एक व्यंजन है। ऊ, ऊ से ऊन, जिससे आपकी मम्मा स्वेटर्स बनाती हैं, वो एक स्वर है। ल, ल एक व्यंजन है। ओ, ओ से औरत, ये एक स्वर है। आ, आ से आम, आम भी एक स्वर है। र, र स्वर है? नहीं, र एक व्यंजन है। आखिरी शब्द है ए, ऐसे एढ़ी, एढ़ी एक स्वर है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 7, प्रस्तुत पाठ में गुड़िया की शादी में कौन कौन शामिल हुए, उनके नामों की चर्चा कीजिए। तो जो पाठ हमने अभी पढ़ा, रीता के पास जो गुड़िया थी उसकी शादी, गुड़िया की शादी, उस शादी में कौन कौन शामिल हुआ था? मोनू, रोहित, गौरव, हर्ष, लता, राधा, गौरी, रीता और कौन था बच्चों? कविता। हर्ष और रीता के पास तो गुड्डे और गुड़िया थी, यानी कि दूल्हा और दुल्हन थे। बाकी के लोग शादी में शामिल हुए थे। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 8, गुड़िया की शादी में सभी ने किस किस प्रकार से आनंद लिया, 5 वाक्य लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको 5 वाक्य लिखने हैं कि जो गुड़िया की शादी हुई थी उसमें किस किस तरह से लोगों ने आनंद लिया था। तो पहला वाक्य है, गुड़िया को तैयार कर, उसको लाल लहंगा पहनाकर, उसको गोल मोतियों की माला पहनाकर, उसको गोटे वाली चुनरी पहनाकर, दूल्हे को तैयार कर, उसको अचकन पहनाकर, साफे वाली साफा पहनाकर, साफे पर सफेद बालों वाली कलगी पहनाकर, ढेर सारा खाना खाकर, खाने में अलग अलग तरह के आइसक्रीम्स या फिर मिठाइयां खाकर, जयमाला के टाइम फूल बरसाकर, लोगों ने गुड़िया की शादी में सभी ने आनंद लिया था। तो बच्चों आपको ये 5 वाक्य अपने अनुसार अपनी अपनी किताबों में लिखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जरा दिमाग लगाइए, ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 9, सही मिलान कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों को आपको ध्यान से देखना है और बताना है कि यह चित्र किस चीज का है। क, तो बताओ बच्चों यह चित्र किस चीज का है? शादी में दुल्हा क्या पहनता है? वेरी गुड, शेरवानी। तो हम इसको शेरवानी से मिलाएंगे। नेक्स्ट चित्र है लहंगे की, लाल लहंगा। शादी में दुल्हन लाल लहंगा पहनती है, तो हम इसको लाल लहंगे से मिलाएंगे। नेक्स्ट चीज है एक टेबल की, जिस पे ढेर सारी खाने की चीजें रखी गई हैं, तो हम इसको खाद्य सामग्री से मिलाएंगे। खाद्य सामग्री मतलब ढेर सारी खाने की चीजें। अगले चित्र में आतिशबाजी हो रही है, मतलब ढेर सारे पटाखे फोड़े जा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है, तो हम इसको, इस चित्र को आतिशबाजी से मिलाएंगे। आखिरी चित्र है फूलों की माला की, यानी कि वर माला की, जो शादी के टाइम दूल्हा दुल्हन और दुल्हन दूल्हे को पहनाती है, तो हम इस चित्र को वर माला से मिलाएंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपकी फेवरेट एक्टिविटी, जरा रंग भरिए, आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी। प्रश्न 10, दिए गए चित्र में रंग भरिए।
तो बच्चों यहाँ पे एक दूल्हे और दुल्हन का चित्र दिया गया है जिसे बड़ी खूबसूरती से तैयार किया गया है। वह बहुत साफ सफाई के साथ इनमें रंग भरा गया है और यहाँ पे एक आउटलाइन इमेज यानी इसमें आप लोगों को रंग भरना है। तो बच्चों इस चित्र में आप अपने अनुसार अपनी अपनी किताबों में बहुत ही साफ सफाई के साथ और प्यारे ढंग से रंग भरेंगे। आज की कहानी यही खत्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई कहानी के साथ, एक मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।